हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोलोमन सील्स के बारे में। सोलोमन कौन थे, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। सो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ सील्स के बारे में, सोलोमन सील्स के बारे में। उसको कैसे यूज़ करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि हम यहाँ बात करेंगे द ग्रेटर की ऑफ सोलोमन, राइट। ये जो सील्स हैं ये 44 सील्स हैं, बट 44 के 44 सील्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो, सेफ नहीं हैं। तो हम उन्हीं सील्स के बारे में बात करेंगे, उन्हीं सील्स को डिस्कस करेंगे इस चैनल पे, जो आप यूज़ कर सकते हो, जो सेफ है यूज़ करना, ठीक है। ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा, मैं आपको स्पेसिफिकली ये बता रही हूँ कि हम 44 की 44 सील्स नहीं यूज़ करेंगे, हम सिर्फ वो सील्स यूज़ करेंगे जिसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ कि लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये डिमोनिक है। सी द लेसर कीज ऑफ सोलोमन, वो डीमंस के साथ आप कैसे डीमंस को समन करते हो, वो रिलेटेड है डिमोनिक एनर्जीज के साथ, डिमोनिक सिम्बल्स के साथ, राइट। तो हम डेफिनेटली उसके बारे में बात नहीं करेंगे, एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगी कि आप उन सिंबल्स को यूज़ करें। क्लोनिक उसमें से एक है, नितिका उसमें से एक है, तो डेफिनेटली आप इन एनर्जीज के साथ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन एनर्जीज के साथ साथ काम करेंगे जिसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको बेनिफिट ही होगा। ये जो 44 सील्स हैं ये एसोसिएटेड है प्लैनेट्स के साथ, हर एक सील एक प्लैनेट से एसोसिएटेड है, और हर एक प्लैनेट की एक रूलिंग स्पिरिट है, गॉड है। और ये जो पूरी की पूरी सील्स हैं, ये 44 सील्स, ये हिब्रू लैंग्वेज में क्रिएट की गई हैं। और जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो हम कलर्स की भी बात करेंगे, हम डेज की भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो सील्स हैं ये स्पेसिफिक डेज पे बनाई जाती है, स्पेसिफिक कलर्स से बनाई जाती है। उसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है उसके अकॉर्डिंगली ये बनाई जाती है, और हर एक सील का एक स्पेसिफिक पर्पस है। ये सील्स आपके लिए इफेक्टिवली तभी काम करती है जब इनको प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है और प्रॉपर तरीके से इनको एक्टिवेट किया जाता है। हर एक सील का एक स्पेसिफिक कलर है, स्पेसिफिक मेटल है, और एक स्पेसिफिक डे है जिस पे आप उसको बना सकते हो या प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और इनको एक्टिवेट करने का, हर सील का एक एक्टिवेशन प्रोसेस होता है, हर सील की एक इन्वोकेशन होती है जो आपको बोलनी होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए। पर आप में से काफ़ी बिगनर्स हैं, बहुत लोग नए हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। तो मैं आपको वो मेथड बताऊंगी जो सब फॉलो कर सकते हैं और जो काम भी करता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सील ऑफ जुपिटर या पेंटिकल ऑफ जुपिटर। इसको आप थर्सडे को इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे और ब्लू कलर से निकलवाएंगे। जो इसका कलर है, जुपिटर का कलर जो है वो ब्लू है, इसको ब्लू कलर से इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्सडे को मॉर्निंग में, राइट। फिर आप क्या करेंगे, आपकी फाइनेंसिस से रिलेटेड जो भी विश है, अगर आप फाइनेंस फर्स्ट सील ऑफ जुपिटर यूज कर रहे हो, दैट इज फॉर फाइनेंसिस, दैट इज फॉर योर बिजनेस सक्सेस, और आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी आप इस सील को यूज़ कर सकते हो, और इस सील को आप पीस ऑफ माइंड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हो, आप इसको इस सील को यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट सील ऑफ जुपिटर। इसी तरह हमारी सेकंड सील ऑफ जुपिटर है, जो आप मनी अट्रैक्शन के लिए, वेल्थ अट्रैक्शन के लिए, सक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये दो सील्स आप फाइनेंसिस के लिए यूज़ कर सकते हो, और इन सील्स के पीछे आप अपनी विश लिखेंगे फाइनेंसिस से रिलेटेड, ठीक है। इफ़ यू वांट प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन भी ऐड कर सकते हो। फर्स्ट सील ऑफ जुपिटर इज फॉर प्रोटेक्शन एज वेल, साइकिक अटैक्स, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप फर्स्ट सील ऑफ जुपिटर यूज कर सकते हो, ठीक है। अपनी विश लिखेंगे फाइनेंसिस से रिलेटेड या प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और अपना पूरा नाम लिखेंगे इसके इस सील की बैक साइड पे, जो ब्लैंक साइड है वहाँ पे। फिर आप क्या करेंगे, आप दोनों इस सील को अपने दोनों हाथों के बीच में लेंगे, और अपनी जो भी आपकी इंटेंशन है फाइनेंसिस से रिलेटेड या प्रोटेक्शन, आप उस इंटेंशन को थोड़ी देर के लिए बोलेंगे और इस सील को चार्ज करेंगे अपनी इंटेंशन से, राइट। सी मैजिक इज नथिंग बट योर इंटेंशन। जो हम सीजल्स भी बनाते हैं
वो कुछ नहीं है, वो आपकी इंटेंशन है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंटेंशन होगी, जितनी क्लियर आपकी इंटेंशन होगी, वो मैजिक उतने ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा आपके लिए, राइट? तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंटेंशन होगी, आप उस सील के अंदर अपनी पूरी इंटेंशन डाल दीजिए, अच्छे से उसको टाइम दीजिए, एटलीस्ट गिव 5 to 10 minutes, उसको अच्छे से चार्ज कीजिए, और उसको बाद इसके बाद उसको लेमिनेट कर सकते हो या किसी पाउच में रख सकते हो। और ये सील आपके पास हमेशा होनी चाहिए, राइट? एवरी डे आपने सेम इंटेंशन डालनी है इसको एक्टिवेट करने के लिए। ये नहीं है कि आप एक दिन आपने एक्टिवेट कर दिया तो वो आपके लिए पूरी जिंदगी काम करेगी, नहीं। एवरी डे यू नीड एक्टिवेशन, उसको एक्टिवेट करना है एवरी डे, अपनी इंटेंशन डालनी है। आफ्टर 3-4 months या 6 months आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, बर्न कर सकते हो और एक नई सील बना सकते हो। सी, आगे के जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे सभी सील्स के बारे में, हर एक सील का क्या स्पेसिफिक पर्पस है, कौन से कलर से उसको बनाना चाहिए, कौन से दिन में बनाना चाहिए, हम सब डिस्कस करेंगे। और अगर आप सील्स का प्रिंटआउट निकलवाना चाहते हो, उसकी कॉपी चाहते हो, तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं आपको सारी सील्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, राइट? जो भी हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब पर, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे ग्रुप में या व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? सो अब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।